अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि Redmi Note 4 का MI लॉक किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो रिमूव करते हैं, उसको हार्ड रीसेट करते हैं, तो वो जैसे ही उसको ऑन करके नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ, तो दोबारा से उस पर लॉक लग जाता है। तो हमारे पास है यहाँ Redmi Note 4। वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले जो दोस्त हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो इसको आप रिबूट करके आपको चेक करवाते हैं पहले, फिर उसके बाद इसको अनलॉक करते हैं। ये भी ऑन हो जाए एक दफ़ा। तो ये दिस डिवाइस इज़ लॉक्ड वाला एरर इसमें आया हुआ है, एक्टिव दिस डिवाइस। तो ये फ़ोन जो है वाईफाई पे जा रहा है कि नेट से कनेक्ट करके आप इसको अपना अकाउंट लगाएं, लेकिन अगर आपको अकाउंट याद नहीं है तो उसके लिए क्या करना है वो आपको मैं भी बताऊंगा। आपको इसके लिए टूल की ज़रूरत पड़ती है जिसे कहते हैं EFT डोंगल। EFT डोंगल जो है वो आपके पास होनी चाहिए, उसको आप डाउनलोड कर लें, उसका सेटअप सॉफ्टवेयर और अपने PC में इंस्टॉल कर लें। और इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने मोबाइल फ़ोन को जो है ऑफ़ करना है। मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ़ करने के बाद आपने इसको रिकवरी मोड में डालना है, वॉल्यूम अप और ऑन के बटन की मदद से, पावर ऑन की मदद से इनको प्रेस रखेंगे थोड़े टाइम तक, कुछ सेकंड के लिए। जैसे ही MI का लॉगो आएगा तो ये पावर बटन छोड़ देना है और वॉल्यूम आपको प्रेस रखना है जब तक ये फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं चला जाता। तो इस तरह रिकवरी मोड ओपन हो जाएगा। इसमें जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने थर्ड वाला जो ऑप्शन है रिबूट वाइप डाटा से नीचे वाला कनेक्ट विद MI असिस्टेंट, इस पर लेके आना है वॉल्यूम डाउन की मदद से और पावर की मदद से इसको सेलेक्ट कर लेना है। आपने पावर की मदद से इसको सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप पावर दबाएंगे इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये फ़ोन जो है वो रिकवरी मोड में चला गया है, MI असिस्टेंट मोड में। अब इसको हमने PC के साथ कनेक्ट करना है, माइक्रो USB केबल के ज़रिए इसको हम PC के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा फ़ोन जो है वो PC के साथ कनेक्ट हो गया है। अब बाकी का काम जो है वो PC पे करना है। मैंने आपको जैसे कि बताया EFT डोंगल जो है वो आपको यूज़ करनी है। EFT डोंगल इंस्टॉल कर लें अपने PC में। और उसका सेटअप जो है वो ओपन कर लें। ये अभी मैं सामने रख देता हूँ ताकि आपको दोनों स्क्रीन्स जो हैं वो एक साथ दिखा सकूँ। ये डिवाइस है EFT डोंगल जो इसके लिए यूज़ होती है। ये आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। इसका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा सेटअप इंस्टॉल करने के बाद। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है Xiaomi। Xiaomi का टैब बना हुआ है इसमें कंप्यूटर में। तो कनेक्ट करने के बाद आपने सिर्फ ये Xiaomi पासवर्ड पैटर्न अनलॉक का ऑप्शन बना है, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से फ़ोन पे आपके शो होगा और ये आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। वो ओके लिख दिया इसने, तो ये मोबाइल फ़ोन जो है वो कम्प्लीटली अनलॉक हो चुका है, बाईपास हो चुका है। अब क्या करना है, अब अपने इस फ़ोन को जो है रिमूव करना है केबल से। तो अब हमने अपने मोबाइल फ़ोन को जो है वो ऑन कर लिया है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा बूट होने में।
थोड़ा सा ये टाइम लेगा, इसको ऑफ नहीं करना, बिल्कुल इंतज़ार करना है। वीडियो को मैं स्किप नहीं कर रहा ताकि सारे जो है स्टेप्स आपको बआसानी समझ आ जाएं। आप भी इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि MI अकाउंट जो है वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत सारे लोगों को जो है इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमारा फ़ोन जो है वो बूट हो चुका है, इसमें इंस्टॉल है MIUI 10। ये सबसे ज़्यादा तंग करने वाला है, तो अभी इसको हम नेक्स्ट करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्री सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट प्रेस करते जाएंगे। तो ये हमारा फ़ोन जो है ये कम्प्लीटली अनलॉक हो चुका है डिवाइस के ज़रिए। इसके अलावा भी बहुत सारे और तरीके हैं जो कि इस मोबाइल पे काम नहीं कर रहे, और कुछ तरीके और भी हैं जो इस पे काम करते हैं, उसकी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि सबके पास तो EFT डोंगल नहीं होती। तो जो EFT डोंगल के बगैर इसको अनलॉक करना चाहें उनके लिए अलग वीडियोज़ इस चैनल में मौजूद होंगी। ये हमने EFT टूल के ज़रिए इसको अनलॉक किया है, तो ये एक बहुत ही आसान सा और अच्छा तरीका है जिसमें ज़्यादा वक्त भी ज़ाया नहीं होता। तो ये हमारा फ़ोन जो है वो बाईपास हो चुका है कंप्लीट। लोडिंग एप्स में थोड़ा सा वक्त लेगा आपका फ़ोन। तो ये जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है और मेन्यू में चला गया और कंप्लीट जो है ये अनलॉक हो चुका है। इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपके पास EFT डोंगल है, आप डेवलपर हैं, तो आपके लिए ये तरीका बहुत ही अच्छा है। EFT डोंगल की मदद से आप इसको रीसेट, FRP लॉक हो या MI हो, सबको रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं आपको इसी तरीके से फॉलो करके अनलॉक करना है, तो बहुत ही आसानी के साथ आप अनलॉक कर लेंगे। MI अकाउंट इसमें अब कोई नहीं लगा हुआ, तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है ये कम्प्लीटली अनलॉक हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सकें।